सभी को नमस्कार। आज आपने मुझे इस विषय पे बोलने के लिए जागरूक करा कि इस देश के अंदर जितने कथावाचक हैं उन सबका राम मंदिर निर्माण और भारत की जनता के चरित्र निर्माण में क्या सहयोग रहा। हमारे कथावाचकों की जो शैली है वह बेहद आकर्षक है। जिस भाषा में, जिस संगीत में, जिस लय में, जिस सानिध्यता के साथ हमारे कथावाचक अपनी कथा कहते हैं, उससे व्यक्ति जहाँ दानवीर बनता है, जहाँ आस्थावान बनता है। हमारी कथावाचक जहाँ श्री रामायण कहते हैं, जहाँ श्री मद्भागवत कथा कहते हैं, जहाँ शिव पुराण कहते हैं, इन कथावाचकों की मजबूत व्यवस्था के कारण इस देश के अंदर अनेकों टीवी चैनल जो केवल धार्मिक प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, धार्मिक टीवी चैनलों का भी श्री राम मंदिर बनवाने में अति महत्वपूर्ण योगदान है और आगे आगे रहेगा। मैंने देखा कि कथावाचकों के माध्यम से टेंट वालों को, जनरेटर वालों को, बिजली वालों को, हलवाई भाइयों को, सुरक्षा व्यवस्था को जहां मजबूत रोजगार मिला, वहीं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, हमारे प्रेस वाले, हमारे टीवी न्यूज चैनल वाले, हमारे फोटोग्राफर बंधु, हमारे संत समाज के लोग, हमारे ग्रामीण लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे युवा लोग, हमारी महिला शक्ति, हमारी मातृशक्ति मजबूताई से धर्म में आस्था रखने लगे। जिन लोगों पे अपार धन है वे लोग भी, और जो लोग चंद पैसा रखते हैं वे लोग भी कथावाचकों के द्वारा कही गई कथाओं के माध्यम से राम मंदिर बनाने की साथ साथ चरित्र निर्माण में, चरित्र को राममय करने में, चरित्र को कृष्णमय करने में, चरित्र को तिरंगे के लिए समर्पित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल रहे। भगवान श्री राम के हर कार्य को हनुमान जी के सहयोग से करना बताया गया है, इसलिए हम सब भक्त भी भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए पहले सुंदरकांड करते हैं जो हमें कथावाचकों द्वारा भी सुनाया जाता है, और उसके बाद प्रभु श्री राम के काम में तन से, मन से और धन से जुट जाते हैं, ताकि भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का मंदिर जो निर्माण होके तैयार हो वह प्रत्येक भारतीय के दिल में छा जाए, जैसे प्रभु राम अभी हमारे दिल में छाए हुए हैं, उनके मंदिर का निर्माण भी हमारे दिल में छा जाए। कथावाचकों के प्रवचनों के कारण जहाँ अनेकों मंदिरों का निर्माण हुआ, जहाँ भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर निर्माण संभव हुआ, वहीं अनेकों तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ। चाहे हम चित्रकूट की बात कर लें, चाहे हम मथुरा की बात कर लें, चाहे हम काशी की बात कर लें, चाहे सुख तीर्थ की बात कर लें, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, अनगिनत ऐसे स्थान हैं जिनका अद्भुत कल्याण, अद्भुत विकास कथावाचकों की, भक्तजनों को प्रेरणा के द्वारा ही संभव हो पाया। मैं कथावाचकों के मजबूत व्यक्तित्व को अपनी वाणी के माध्यम से इसलिए गुणगान करना चाहूँगा कि हमारे कथावाचकों ने हर जगह एक ही बात रखी कि मंदिर निर्माण होना चाहिए, और मंदिर निर्माण के लिए हमें अपने चरित्र का निर्माण करते हुए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस देश के किसानों की, इस देश के उद्योग की, इस देश के व्यापार की बड़ी शान शौकत के साथ
सेवा कर सके। मैं कहना चाहूँगा जहाँ हमारे संतों को बड़ी व्यवस्था राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित होने की मिली, वहीं पे अनगिनत रोजगार के साधन भी खुले हैं। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमारे कुछ कथावाचक तो अपनी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जहां भक्तों को, जहां दानवीरों को, जहां सेवकों को दूर दूर से बुलाते हैं, वहीं स्वयं हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और कारों का भी यूज करते हैं ताकि भगवान श्री राम का मंदिर विश्व के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में हर तकनीक से सर्वोत्तम हो। प्रश्न ये नहीं है कि हम सर्वोत्तम मंदिर बनाने जा रहे हैं, प्रश्न ये है कि हमारे कथावाचकों के योगदान के कारण जहाँ हमारे अंदर समर्पण आया शोभा यात्राओं को निकालने के लिए, लोगों में जन जागरण पैदा करने के लिए, अधिकारियों में आस्था पैदा करने के लिए, सरकार को दृढ़ संकल्पित होने के लिए, वहीं हमारे कथावाचक अपना योगदान भी राम मंदिर निर्माण के लिए, कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण के लिए, शिव मंदिर बनारस के निर्माण के लिए कटिबद्ध हो पाए और धीरे धीरे हम एक एक करके उस मजबूती पे चल रहे हैं कि पूरा हिंदू समाज एक होके देश के लिए काम करे, धर्म के लिए काम करे, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करे, मातृशक्ति के लिए काम करे, पर्यावरण के लिए काम करें। और ये सारे मॉडल हमें श्री राम मंदिर के निर्माण में देखने को मिलेंगे। इसके लिए आदरणीय मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी। योगी आदित्यनाथ जी नए नए तरीके से वैज्ञानिकों के साथ, निर्माणकर्ताओं के साथ दिन प्रतिदिन सबको जोड़ के, सबके साथ, सबका विकास सबके लिए कर रहे हैं। और मुझे भी 5 अगस्त को कथावाचकों के माध्यम से ही, उनकी प्रेरणा से ही उस स्थान पे जाके पूजा करने का मौका मिला जहाँ प्रातः लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूजा की थी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। ठीक उसी जगह मुझे भी मौका मिला जो आपकी प्रेरणा के कारण, कथावाचकों की प्रेरणा के कारण, माता पिता के संस्कारों के कारण संभव हुआ। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि श्री राम जी के मंदिर के निर्माण में, हमारे चरित्र निर्माण में, हमारे राष्ट्र निर्माण में कथावाचकों का बहुत महत्व है। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका
सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।